लैंड क्रूजर TZ 1997 मॉडल और उसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इस गाड़ी के बारे में, उसके बाद आपको इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दिखाएंगे। तो सर बताइएगा इस गाड़ी के बारे में कि अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे कॉस्ट कर गई है तकरीबन 36 लाख रुपए में। अच्छा। ठीक है, 3.6 में। और ये TZ है प्राडो, इसमें 1KZ का इंजन है। ठीक है, बाकी इसमें ड्यूल एसी वगैरह एज इट इज़ सेम जेट का इंजन है, 3000 CC होता है। 1KZ डीजल है, डीजल 1KZ। ठीक हो गया। और इसका फ्यूल टैंक कितना है? तकरीबन 85 लीटर का है। और क्या माइलेज आपको दे रही है ये? ये मुझे इस वक्त सिटी में मुझे दे रही है 10 से 10.5 और लॉन्ग में 11 से 11.5। और इसके जो मेंटेनेंस है वो आपको क्या कॉस्ट दे देती है, या मेंटेनेंस क्या क्या चीज़ें इसकी शामिल है मेंटेनेंस? इसमें बेसिक ही चीज़ें हैं, इसका ऑयल फिल्टर वगैरह, और वो आपको काम नहीं निकालती। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा डलवा रहे हैं और कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं। आप रिसेंटली, हमें पता था, एक बहुत ही नाखुशगवार वाक्य आपके साथ पेश आया, उसके बारे में बताइएगा कि वो कैसे हुआ और उसके बाद क्या क्या मुश्किल आई। मैं ओवर स्पीड आ रहा था इस्लामाबाद से। अच्छा। तो मैंने ना इस गाड़ी को हीट किया था ना कुछ किया था, मेरा रेडिएटर भी थोड़ा सा लीक हो गया था। अच्छा। जिसकी वजह से इसका इंजन सीज़ हो गया था। सही। मैंने फिर इसको दोबारा रिप्लेस करवाया इंजन। अच्छा, उस पर क्या कॉस्ट वगैरह आपकी आई है? उस पर तकरीबन मेरी आ गई है 4 लाख तक। चार से चार की आप 36 बता रहे हैं? नहीं, मेरे में जब मेरे यहाँ तकरीबन उसके साथ मेरी इतने की ही पड़ गई है। ठीक है। हाँ जी। और उसके अलावा आपने पहले भी ऐसी बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल की, आप इसका कंफर्ट जोन लेवल किस तरह से देखते हैं कि इस प्राइस में इसका कंफर्ट कैसा है? SUV का अब हर बंदे का अपना एक वो है, इस्तेमाल भी है कि अब बाज़ लोगों का ऑफ रोड नहीं है, बाज़ लोगों का ऑफ रोड भी होता है। अब इसमें ये कि प्राइस के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छी, यानी इसका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, सस्पेंशन अच्छा है। ठीक है, ये अब रेस के टाइप वाली गाड़ी तो नहीं है। सही। ठीक है, लेकिन ये है कि इसका कंफर्ट लेवल अच्छा है, 4x4 है, बेहतरीन SUV गाड़ी है। ठीक है। अच्छा, ये इसकी रीसेल कैसी है? रीसेल भी बहुत अच्छी है, पिछले इसका तो बल्कि प्राइस बढ़ गई है, मेरे बॉर्डर बंद होने की वजह से अब प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। यही जो आज से साल 1.5 साल पहले मेरे ख्याल में ये कॉस्ट करती थी तकरीबन 24-25 की इस कंडीशन की, वो अब 36 तक चली गई है, बल्कि प्लस जा रही है जितनी जैसे अच्छी कंडीशन है। ठीक है। और इसकी रोड ग्रिप कैसी है? आपने बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है गाड़ी, एक अच्छे उसमें इस प्राइस में। अब मॉडल भी काफ़ी पुराना है, अब जाहिर है कि जो नई गाड़ियाँ आती हैं अब प्राडो वगैरह हो गए, इससे अपग्रेड जैसे ही मॉडल्स होते गए उसमें नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें आ गई। अब ये ज़ाहिर है पुरानी टेक्नोलॉजी है, 97 की है, तो ज़ाहिर है इसमें भी अभी वो चीज़ें, लेकिन बहुत बेहतर है जो अभी प्राइस इसकी चल रही है जिस हिसाब से, उसमें SUV मेरे ख्याल में ये बेस्ट है। इससे ज़्यादा में अब आपको अच्छा SUV यानी 7-सीटर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा इस वक्त जो पोजीशन है। सही है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, आपने रोही में भी इसको ट्राई किया, आपने लॉन्ग रूट पे भी, इंटरसिटी में भी, हर तरह से किसी जगह इसने ऐसा तो नहीं किया कि नहीं यार गाड़ी ने यहाँ पे चस नहीं करवाई, मज़ा नहीं करवाया, ये इस जगह पे कोई और गाड़ी होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें इतनी पावर भी है और सारा है, हाइट भी इसकी अच्छी है। ठीक है, लेकिन इसकी एक आप ये नहीं कह सकते कि आप इसे ओवर स्पीड कर लें, 120 पे डेजर्ट में इसको आप चला लें। अच्छा। ठीक है, चल जाएगी। एक ट्रैक भी देखा जाता है, अगर ट्रैक ऐसा है जहाँ पे ये 120 भी जाएगी ये कोई मसला नहीं, लेकिन ये कि ये रेस गाड़ी रिस्की है, हाइट इसकी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। बाकी इसी में सस्पेंशन वगैरह अगर जैसे किंग्स का डल जाए या किसी और, ये अपनी परफॉर्मेंस इसकी और बढ़ जाएगी। पहले भी यहाँ पे शेख आसिफ साहब हैं, वो 2-3 साल इसी को भगाते रहे हैं, रेस करते रहे हैं चोलिस्तान में, तो ठीक है, अब उनके व्यूज़ उनके हिसाब से होंगे, मैं अपने स्किल्स के हिसाब से कहूँगा मेरे कंट्रोल पावर नहीं होगी इतनी कि, यानी मैं नहीं समझता कि ये उसकी उतनी, क्योंकि अब चीज़ भी तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, उसका सस्पेंशन या तो इसको पूरा मॉडिफाई करें तो फिर ये अपनी कीमत से बढ़ जाएगी। अच्छा, इसका कोई ड्रॉबैक आप बताना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक इसमें कोई वो ऐसा नहीं हुआ कि जो कहूँ कि यार ये चीज़ की कमी है इसमें।
इसमें कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत बहुत स्मूथ है। वेट ज़्यादा है इसका, गाड़ी बहुत मज़े की है, इसको आप जिस जहाँ मर्जी ड्राइव करें आपको एक कंफर्ट लेवल देगी ये। ठीक है व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया। अभी आप मलिक मुबीन हैदर चन्नर साहब के व्यूज़ सुन चुके हैं जो इस गाड़ी के ऑनर हैं, तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। ये गाड़ी का इंटीरियर है, बैक सीट से सीट्स भी आप देख रहे हैं कितने कंफर्टेबल है, ये आर्मरेस्ट है सीट्स में और काफ़ी अच्छी लुक है, पोशिश हुई हुई है। ये बैक साइड से फ्रंट की लुक है और फ्रंट भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक है। ये बैक सीट्स, ये सेवन सीट्स में है गाड़ी विद सनरूफ, और इसके गेट्स वगैरह और कंफर्टेबल और लेग स्पेस और हेड स्पेस भी काफ़ी बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त है। अलॉय रिम्स के साथ है, खूबसूरत गाड़ी, ब्लू कलर है जो कि बहुत ही डिफरेंट है, बहुत कम लोग इसको परचेज़ करते हैं, बहुत कम ये गाड़ी इस कलर में आपको नज़र आएगी। इसका ट्रंक साइड से आपको दिखाते हैं, बैक से खोलते हैं इसका, यहाँ पर भी स्पेस है कुछ, क्योंकि ये सेवन सीट्स में तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है क्योंकि सीट्स हैं। लाइट पे पेपर लगा हुआ है, ये इसका फ्रंट व्यू है बैक साइड से, ये साइड से, ये पैसेंजर गेट से आपको दिखाते हैं, मिरर और पावर विंडोज हैं इसमें। यहाँ पर भी स्पेस है, एसी वेंट्स और डैशबोर्ड कंसोल, ये 4x4 गियर है, ये ऑटो में है गाड़ी, और ये डैशबोर्ड कंसोल के साथ साथ इसमें आर्मरेस्ट कंसोल भी है। काफ़ी खुली गाड़ी है, खुली डुली और मतलब इजी और कंफर्टेबल है, सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि ये पुराना मॉडल है। ये बैक व्यू इसका, ये आप देख रहे हैं टायर लगा हुआ है, स्पेयर इसका पीछे, ये टी सेट है। ये साइड व्यू इसका ब्लू कलर में, बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत ही कम लोगों के पास ये कलर होता है। ये वही बैक साइड से, अब आपको ड्राइवर साइड से दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, और बहुत ही साफ़ है गाड़ी ये और बहुत ही अच्छी कंडीशन में, और उसके साथ साथ ही गाड़ी कंफर्टेबल भी बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ है गाड़ी, ऐसी कंडीशन में बहुत कम गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। ये इसका पैनल लगा हुआ है, एसी वेंट्स वगैरह, ऑटो गियर इसका, ऑटो गियर बॉक्स के साथ है, इसका 4x4 गियर भी है यहाँ पे, पावर विंडोज़ के साथ, मिरर भी ऑटो है इसके, सनरूफ भी है इसमें, विद सनरूफ ऑप्शन है ये। SRS एयरबैग्स, अलॉय रिम्स, और आपको फ्रंट से इसका व्यू भी दिखाते हैं, फ्रंट लाइट्स इसकी, ग्रिल और सब कुछ, बम्पर, बहुत ही अच्छी कंडीशन में गाड़ी खड़ी है। ये है टोयोटा क्रोला, टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TZ 1997 मॉडल है, और इसकी तकरीबन ऑन रोड प्राइस जो है वो तकरीबन 36 लाख है, जो कि अभी हमने ऑनर से पता भी की है, और इस प्राइस में SUV 7 सीट्स के साथ विद सनरूफ जो है बहुत ही ज़बरदस्त है मेरे ख़्याल से ना ये गाड़ी, इस प्राइस में और इस कंडीशन में, और कलर भी आपके सामने है, इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है इसको, तो एक बार फिर आपको एक्सटीरियर इसका व्यू दे रहे हैं।
देखिए गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है, खड़ी भी बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही शानदार गाड़ी है। और फीचर्स भी इसमें आज की जो सेडान गाड़ियाँ उनसे ज़्यादा हैं और प्राइस भी उनसे कम है। तो ठीक है व्यूअर्स, आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे।